नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष रहा और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आयर भारत। आज की बहुत प्यारी खबर ये है कि आज की डेट से, वैसे तो 9 नवंबर को चीज क्लियर हो गई थी, लेकिन आज की डेट में जो न्यूज़ आई है उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ANI की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि INB मिनिस्ट्री के तहत, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, गवर्नमेंट इशूज ऑर्डर ब्रिंगिंग ऑनलाइन फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स एंड ऑनलाइन न्यूज़ एंड करंट अफेयर कंटेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ INB, मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब वो जो जो लंबा चौड़ाई जो अमेंडमेंट हुआ है उसको पढ़ के सुना देता हूँ कि आर्टिकल 77 के क्लॉज 3 में जो अमेंडमेंट हुआ है, और ये कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं बता दूँ, 357th अमेंडमेंट। अच्छा, 57th अमेंडमेंट इस बार हुआ है। तो 22A और 22B में क्या क्या बदलाव हैं, मतलब क्या क्या इंट्रोडक्शन है। फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स मेड अवेलेबल बाय ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स, शब्दावली पे जाइए, फिल्म्स ठीक एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स, ऑडियो भी ऑडियो विजुअल भी, मेड अवेलेबल बाय ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स, ठीक, प्रोवाइडर्स पे सीधा हमला हो जाएगा। न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक, रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट, तारीख आपको देख सकती है ऊपर, न्यू दिल्ली 9 नवंबर 2020, एक नोटिफिकेशन है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट द्वारा। ठीक, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आप लोगों को क्या लगता है? जो भी पिछले कुछ समय आप लोग रोते आए हैं कि पाताल लोक में जो हुआ, अनुष्का शर्मा की जो पिक्चर आई थी बुलबुल, उसके साथ जो हुआ, उसमें जो जितने भी आपके जितने भी, और जो आर्मी की ड्रेस को लेके जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था कि आर्मी की ड्रेस ऐसी जगह पे ना इस्तेमाल की जाए, अच्छा, उनका कोई आप अंजाम नहीं पहुँचा पाए होंगे अभी तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इस के आने के बाद, इस अमेंडमेंट के बाद अब आप पहुँचा सकते हैं, अभी सब कुछ इसके दायरे में आ जाता है। अब भविष्य में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एंटी हिंदू एंटी इंडिया प्रोपोगंडा देखने को अगर मिला, या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, या कुछ ऐसा जो बिल्कुल परे ही है, आपको आहत है, परेशानी है, गलत दिखाया है, फैक्ट से छेड़छाड़ कुछ भी है, आप इन जो संशोधनों के द्वारा आप केस दायर कर सकते हैं, और करेक्शन के लिए आप बोल सकते हैं कि या तो आप सुधार करिए, या तो आप हटाइए, या तो आपको जो सजा निर्धारित है वो मिलेगी। तो थोड़ा सा नहीं, काफ़ी कंट्रोल आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा पावर सरकार के हाथ में आ जाएगी, INB मिनिस्ट्री के हाथ में आ जाएगी, और पावर उस जनता के हाथ में आ जाएगी जो इनके अजीब अजीब से हेटफुल कंटेंट की वजह से, हार्मफुल कंटेंट की वजह से जो लोग परेशान हैं। और इस सब पे लागू होता है, जहाँ तक मुझे भी पता है कि यूट्यूब पे भी लागू होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि तो ऑनलाइन बोला गया है, तो ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है। तो जितने ये यूट्यूब पे जो नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, जितने ये जो लेफ्ट विंगर्स हैं, आप लोग समझ गए होंगे कौन, जो मिलियंस में व्यू ले जाते हैं, एक दिन अपलोड करते हैं, दूसरे दिन वीडियो मिलियन में चली जाती है, जो सो कॉल्ड न्यूज़ एनालिस्ट, ये सब जो हैं, जिन दिन भर प्रोपोगंडा, तो इनको अब जरा इनकी इनकी नज़र में तो आ ही गया होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब जितनी खुद की फटी पड़ी होगी कि अब तो एजेंडा बंद हो जाएगा भाई। खैर, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो इतना शेयर करिए कि कम से कम ऐसी ऐसी मानसिकता वाले लोगों तक पहुँच जाए कि भाई अब जरा सही से रहना, कुछ भी बोल के निकल नहीं जाओगे, है ना। और जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी इन समस्याओं को सरकार नहीं सुनती, आपको लगता है कि आपके इन छोटे मोटे आपत्तियों को नहीं सुनती, तो शायद आपकी आपत्ति तब थी, लेकिन समाधान अब हो चुका है। आप चाहते थे कि इसके ऊपर कुछ चेंजेस हों, अमेंडमेंट्स आए, कानून बने वगैरह वगैरह, काम हो रहा था, शायद विचार हो रहा था, विचार होता है, कमेटियाँ बैठती हैं, टाइम लगता है, शायद हर चीज़ बताई नहीं जाती है, अचानक से आ जाता है, इसका तो कुछ शोरगुल भी नहीं था, आ गया इसी धड़ल्ले में, आ गया, हम बिहार चुनाव में उलझे रह गए, हम अर्नब के अरेस्ट में उलझे रह गए, और अचानक से ये रिफॉर्म हो जाता है ना। खैर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।